नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रीवा मध्य प्रदेश से, जहां खाद्यान्न वितरण में 7,16,000 की हेराफेरी करने वाला विक्रेता पहुंचा जेल। यहां बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा में गरीबों के खाद्यान्न पर डाका डालने वालों को जेल भेजा गया। पूरा मामला रीवा जिले के जवा तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बरहुला के शासकीय उचित मूल्य दुकान कल्याणपुर में राशन वितरण में अनियमितता करने का है। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उचित मूल्य दुकान के विक्रेता मोहित लाल तिवारी तथा बरहुला समिति प्रबंधक संतोष सिंह द्वारा गरीबों के खाद्यान्न में हेराफेरी की गई। विक्रेता तथा समिति प्रबंधक द्वारा गरीबों के लिए आवंटित खाद्यान्न का उपभोक्ताओं में वितरण न कर घर घर जाकर उपभोक्ताओं से POS मशीन में अंगूठा लगवा कर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित रखा गया था। जांच में इनके द्वारा 7,16,819 रुपए की कालाबाजारी करना पाया गया। इस गंभीर अनियमितता पर इनके विरुद्ध FIR दर्ज करा कर जेल भेज दिया गया। कलेक्टर ने कहा, यदि कोई भी गरीबों के खाद्यान्न में अनियमितता करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते आपको खबर विस्तार। देवसर में शिकायतें लगातार आ रही थी। देवसर एकदम साफ करने निर्देशित किया था और वहाँ पे कोटेनार के खिलाफ FIR कराई गई और फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कलेक्टर महोदय और SP महोदय के निर्देशन में और अन्य उत्सव और खाद विभाग से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं और खाद से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से करने का कलेक्टर सर का निर्देश है और यही चीज़ के परिपालन में ये कार्रवाई हुई। किस तरह की अनियमितता पाई गई थी, क्या इसमें कुछ राशन संबंधी अनियमितता थी? अंगूठे लगवा लिए गए थे लेकिन लोगों को उनका जो सही राशन है वो उनको प्रदाय नहीं किया गया। इस तरह की सूचना पहले मिली थी तो पहले उसका परीक्षण कराया गया, फिर SDM साहब खुद वहाँ गए, मौके पर फूड इंस्पेक्टर गए थे। फूड इंस्पेक्टर और SDM साहब की जो जाँच रिपोर्ट थी उसके आधार पर कल FIR कल ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी। मैं एक और निवेदन ये करना चाहूँगा कि कोई भी कोटेदार यदि किसी हितग्राही से अंगूठा लगवाता है तो बिना राशन लिए अंगूठा ना लगे। इस तरह की बहुत शिकायतें जिले में सामने आ रही हैं और हम इन सभी पता करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।